नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पोल्ट्री फार्म पर मशीन्स बनाता हूँ। सो दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि नए फार्म ओपनिंग किया गया था और एमएस मटेरियल आयरन मटेरियल से इस तरीके के टी पिलर और नए सीड बनाया गया था 30,000 मुर्गियों के लिए। सो दोस्तों, आज मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नए नए फार्मर्स के लिए ये एक छोटा सा नॉलेजेबल और जानकारी रहेंगी। और दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस तरीके का फार्म बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निकलॉजी और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एमएस मटेरियल से नहीं, सीमेंट फ्लोरिंग कर इस तरीके से टी पिलर बनाया गया है और पत्थर के प्लेट लगाए गए हैं यहाँ पर इस तरीके से। सो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नए नए फार्म ओपनिंग कर इस तरीके का लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का जो बिजनेस है वो करें, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे नए नए फार्म ओपनिंग किया गया है। और दोस्तों, ये बेंगलोर कर्नाटका एरिया का बल्लारी एरिया पर बनाए गए हैं। बहुत सारे फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स बनाए गए हैं और मैंने बहुत सारे फार्मों पर मशीन्स लगाया हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ दिन बाद ये ऑलरेडी कंप्लीट होने को है और यहाँ पर मैं फिट ट्रॉली लगाने वाला हूँ। सो नए नए फार्मर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके का सीड बनाएं और इस तरीके से आयरन मटेरियल से हो या फिर सीमेंट फ्लोरिंग कर इस तरीके से भी प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो शेड दिख रहा है मुर्गियों से भरी पड़ी है। यहाँ पर ये 15,000 मुर्गियों की कैपेसिटी लेकर बनाया गया है, 210 फीट लेंथ है। और यहाँ पर ये 4M सीट चार लाइन की 8 डब्बे वाली ट्रॉली बनाया हूँ मैंने, कुछ 3-4 महीने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे फार्म अभी भी बनने के लिए बाकी हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से फार्म ओपनिंग करें, तो मैं सिर्फ इसके थोड़े से वीडियो डेमो लेके आया हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर 150,000 तक की कैपेसिटी ऑलरेडी हो चुकी है मुर्गियों की, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चिक सीड बनाया जा रहा है जो कि बच्चे को रखा जाएगा यहाँ पर स्टार्टिंग पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 20,000 मुर्गियों के लिए, 20,000 बच्चों के लिए बनाई जा रही है इस तरीके से टी पिलर लगाकर। फिलहाल यहाँ पर काम ऑलरेडी चालू है। इससे पहले जो मैंने दिखाया था आप लोगों को कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से लगाया जाता है, वो लेयर सीड के लिए बनाया जा रहा है और बच्चों के लिए इस तरीके से अभी रेडी किया जा रहा है 6M 6 लाइनों पर। सो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से पोल्ट्री फार्म पर बहुत सारे सिस्टम से लगाया जाता है, टी पिलर हो या आयरन मटेरियल से हो या 6-7 इंच का एल एंगल या स्क्वायर पाइप, बहुत सारे सिस्टम से लगाई जाती है। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी फार्मर्स, नए फार्मर्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे ऐसी नए नए जानकारी वाली वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। और जितने भी नए फार्मर्स और नए व्यूवर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, आप लोगों को मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और ख़ासकर नए फार्मर्स जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे जाकर आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे नए नए जानकारी वाली वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। और इस तरीके से अगर नए नए फार्म्स ओपनिंग किया जाता है, किस तरह से ओपनिंग किया जाता है और किस तरीके की सिस्टम लगाई जाती है, बहुत सारी नॉलेज जो है मैं आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पत्थर के प्लेटें रखी गई है, जो कि बाजू में आप लोग देख सकते हैं टी पिलर भी रखा गया है। सो ये जो प्लेटें हैं, ये जो नए सीट बन रहा है बच्चों के लिए, चिक सीट जो कहा जाता है, इसमें लगाए जाएंगे बहुत जल्द ही ये कंप्लीट होने के वजह। और मैं इस पर, इस फार्म पर भी ट्रॉली बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। सो दोस्तों, आगे जाकर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलने वाली है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूँगा। आप लोग प्लीज़, जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो लेके आता रहूँगा। सो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर।